बीते दिन कैनेडा दे मॉन्ट्रियल शहर दे विच रह रहे दीपक नगर वासी वालों अपनी पत्नी दी हत्या करन तो बाद फरार पति वालों कैनेडा दे ही नहर दे विच छाल मार के खुदकुशी करन दा समाचार प्राप्त होया। मृतक दी पछाण नवदीप सिंह उम्र 32 साल पुत्र सुरजीत सिंह वासी दीप नगर जलंधर छौनी हाल वासी मॉन्ट्रियल कैनेडा दे वजो हुई है। मृतक दे पिता सुरजीत सिंह ने दस्या है कि उसके पुत्र नवदीप दा व्याह रजिंद्र कौर उर्फ रूबी उम्र 31 साल पुत्री अमरीक सिंह वासी टांडा उड़मुड़ दे नाल होया सी, जिन्हां दे दो बच्चे एक लड़की 8 साल दी अते एक लड़का 4 साल दा हन। उन्हां दस्या है कि नवदीप अते रजिंद्र कौर विचकार पिछले समय तो झगड़ा रहिंदा सी, जिस कारण नवदीप हथों रजिंद्र कौर दी हत्या हो गई। सुरजीत सिंह ने दस्या है कि नवदीप दे वल्लों खुदकुशी करन तो पहला कैनेडा दे विच रहंदे मेरे भतीजे सुखविंदर दे नाल वीडियो कॉल राही गलबात कीती गई सी। उसने केंद्र सरकार तो मंग कीती कि नवदीप अते अपनी नू रजिंद्र कौर रूबी दा संस्कार जलंधर दे विच करना चाहुंदे हन। परिवारिक सूत्रां तो मिली जानकारी अनुसार मृतक नवदीप ने नहर दे विच छाल मारन तो पहला लाइव होके वीडियो बनाई। कैनेडा पुलिस दे वल्लों मृतक दी पहचान करन लई बच्चियां दे डीएनए भी लए गए, पर फिलहाल दोनों जणे दी ही मौत हो चुकी है। पहला पत्नी दी हत्या हो गई सी पति दे वल्लों, उस तो बाद पति ने भी कैनेडा दी उत्थे नहर दे विच इक नहर दे विच छाल मार के अपनी आत्महत्या कर ली है। अते हुण परिवार दी मंग है सरकारा तो कि दोनों नूं ही इत्थे पंजाब दे विच लियांदा जावे ताकि उन्हां दा अंतिम संस्कार कीता जा सके।